ठीक है, मतलब बंदे ना आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि पैसा है उसके पास तभी सब कुछ है भाई। ठीक है, तुम्हारे घर वाले लेके दे रहे हैं ना तुम्हें आर 15 ले ली या रेड बाइक ले ली, जो सी मर्जी ले ली, रेड चिली ले ली, जो भी ले लिया तुम्हें घर वाले लेके दे रहे हैं भाई। यहाँ हमें ना घर वाले लेके नहीं दे रहे हैं, बात ये फंसी है। और अगर कुछ भी ना हुआ ना तो मैं इस चैनल पे ब्लॉग डालना बंद कर दूंगा ये। ठीक है, तो मेरे साथ बताऊँ क्या सीन हुआ था, मैं आपको झूठ नहीं बताता। अगर मैं आज सच्चे बताऊँ ना तो मेरे को बंदों ने बोला था कि भाई तू जिस दिन बाइक पे आएगा ना उस दिन ब्लॉग में लूँगा मैं तुझे, और एक्टिवा पे नहीं मेरे को मतलब सूट करेगा। और ऊपर से गैस एक मैं लाइन गा के सुनाना चाहता हूँ, साढ़े ते ही ओण चढ़ चढ़ के जड़े साढ़े सिरो चढ़े बलिए। ठीक, तो हेलो एवरीवन, कैसे आपसे भी लोग, होपफुली आपसे भी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपसे भी लोग देख रहे हो कि आज हमने एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है। बाकी गैस आई नो ये ब्लॉग फिर से बड़ी लेट आ रहा है, और ये गैस मेरा ना ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं था। ये मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ना डिस्क्लोज करना शुरू कर दूँ कि चक्कर क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉग का टाइटल मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरे मतलब ब्लॉग शुरू होने के बाद, तो इस ब्लॉग का मैं टाइटल रखूँगा द डार्क क्या रखूँ द डार्क ट्रूथ अबाउट लुधियाना मोटो ब्लॉगर कम्युनिटी। ठीक है, ये मैं क्यों बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि सीन गैस आजकल ऐसा चल रहा है, एक तो ना बड़ा कुछ चल रहा है, एक तो ये सीन भी है। और ऊपर से गैस एक मैं लाइन गा के सुनाना चाहता हूँ, साढ़े ते ही ओण चढ़ चढ़ के जड़े साढ़े सिरो चढ़े बलिए। ठीक है, अब ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आजकल हमें वो बंदे कह रहे हैं जो हमारी ही ऑडियंस और मेरे से ही सीख के भाई बंदे ना चलो बना रहे हैं मोटो ब्लॉग, कोई सीन नहीं है। बट भाई ये बात याद रखी होगी, तू मेरे से सीखा है, ठीक है, और तेरे को मैंने बताया था कि क्या चीज़ कैसे मिलती है, क्या होता है, क्या कंटेंट बनाना है भाई बाइक पे। तो कोई बात नहीं भाई, तू अपने ब्लॉग बना रहा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ये है कि ना फेक आईडी मतलब न्यू आईडी बना के जो मैं डालता हूँ ना आस्क मी ए क्वेश्चन टाइप, उसमें भाई कमेंट मत डलवाया कर, ठीक है, या तेरी आईडी है, अपने दोस्तों की आईडी है, जिस मर्जी की आईडी है, देख कंपेयर करना हो तो मैं कंपेयर तेरे साथ नहीं कर सकता, सीधी जो बात है। ठीक है, तेरे होगा घर वालों के पास दो नंबर का पैसा है, मेरे को पता है मेरे पापा कैसे कमाते हैं। ठीक है, और ठीक है भाई तेरी अभी पढ़ाई अभी बची है, तेरे से मैं ऊपर पहुंच गया पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई भी छोड़ भाई, तू ना मेरे को 1.5 साल दे दे, 1.5 साल में अगर तो ना कुछ हुआ ना तो भाई ये MSB चैनल मैं नहीं चलाऊंगा भाई, मैं कर दूंगा बंद, सीधी जो बात है। 1.5 साल रुक जा, एक बारी मेरी मास्टर डिग्री ख़त्म होने दे, मतलब उसके 2-3 महीने तक रुक जा, ताकि एक बारी या तो मेरे घर वाले समझ जाए या मैं समझ जाऊँ। ठीक है, और अगर कुछ भी ना हुआ ना तो मैं इस चैनल पे ब्लॉग डालना बंद कर दूंगा, ये तो लिखती बात है। ठीक है, तो चल कोई बात नहीं है। बाकी का सीन ऐसा है ना, देखो मैं अगर स्टार्टिंग से सबको लपेटे में लेना चाहूँ तो लपेटे में सभी आ जाएंगे, जितने लुधियाना के जो मोटो ब्लॉगर हैं, ठीक है, जो भी बन रहे हैं कि भाई मैं मोटो ब्लॉगर हूँ, मैंने नाम उठवाया है, तो भाई आप ये बात भी याद रखना है, लुधियाना में सबसे पहले मोटो ब्लॉग मैंने बनाया था। ठीक है, और लोग मेरे को देख के रिएक्शन जो आते हैं ना उस टाइम के, मुझे ही पता है, तुम तो भाई मेरे को देख देख के तुमने बनाया है ना वो लोग, तो रहने दो। ठीक है, अब तुमने बाइक्स ले ली है, कोई बात नहीं है, भगवान की दया है तुम पे, अभी अच्छी बात है, और रहे भाई मेरे को कोई हेट भी नहीं है तुम लोगों से, बट भाई मेरे साथ कंपेयर मत करो, कोई बात नहीं है। मेरे को एक बंदे का कमेंट भी आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था और थोड़ा बुरा सा भी लगा था, लाइक उसने बोला था कि भाई तू हायाबुसा के साथ एक्टिवा भी कंपेयर करेगा, तो भाई सीधी जो बात है मैं हूँ बंदा मेंटल थोड़ा, ठीक है, और कुदरती अगर मेरा किसी दिन मूड बन गया तो भाई तू एक्टिवा पे, मैं एक्टिवा पे भी आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और तू हायाबुसा ले आई, तू भाई ZX10R ले, कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ। देख बाइक चलाने को ना बथेरी बाइक्स हैं भाई, अगर तेरे दोस्त भी हैं ना तो मेरे दोस्त भी हैं। अभी ये है कि भाई मैं फ्लैक्स नहीं करता, शोशेबाजी नहीं कि भाई तेरे पे ये भी नहीं है, तेरे पे वो भी नहीं है, मेरे पे देख इतना स्पोर्ट है पीछे, भाई स्पोर्ट की बात मत करियो। ठीक है, आज से अगर तेरे को मेरे रिकॉर्ड नहीं पता ना तो 3 साल पहले के रिकॉर्ड चेक करना जरा, तेरे को स्पोर्ट दिखाऊंगा फिर मैं ही क्या चीज़ था मैं उस टाइम पे। ठीक है, बाकी ये बदमाशी बदमाशी वाली बात चलो छोड़ दो, ये तो मैं पकड़ता ही नहीं हूँ, बट भाई एक टाइम ऐसा था मैं आपको सही में बताऊँ, मैंने एक दो बंदों को मैसेज किया था कि भाई चलो व्लॉग बनाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि चलो यूनिटी होगी अपने मोटो व्लॉगर्स कम्युनिटी की, जैसे जम्मू में है ना राजा भाई, आलियन भाई, जानू और बाकी आमिर माजिद को तो छोड़ दो, वो तो बंदा ही लगा है। ठीक है, और मतलब मैंने सोचा था कि चलो सारे मिलके व्लॉग बनाएंगे और सब सेट होएगा काम, मतलब अच्छा भी लगता है ना कि जैसे पूरे लुधियाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है,
तो मेरे साथ बताऊँ क्या सीन हुआ था, मैं आपको झूठ नहीं बताता, अगर मैं आज सच बताऊँ ना तो मेरे को बंदों ने बोला था कि भाई तू जिस दिन बाइक पे आएगा ना उस दिन व्लॉग में लूँगा मैं तुझे, और एक्टिवा पे नहीं मेरे को मतलब शूट करेगा, मतलब कि चलो एक बंदे ने बोल दिया कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, सोचा नहीं कोई बात नहीं छोड़ो। दूसरे बंदे को भी मैंने मैसेज किया कि चल ठीक है होगा, चल उसका कोई अपना पर्सनल मैटर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने दूसरे बंदे को मैसेज किया, बंदे बताऊँ किस पे आर 15 पे है, और भाई रुतबा रख रहे हैं ऐसे जैसे H2 ले ली उन्होंने। तो मेरे को कह रहा है भाई कि यार कहता भाई बाइक वूक ले आई कहता किसी दिन, उस पर हम रील वगैरह शूट करेंगे, एक्टिवा पे कहते मज़ा सा नहीं आएगा। और आज तक मेरे को एक बात ध्यान में है कि आदित्य भाई था एक, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा, मैंने 2-3 ब्लॉग बनाए हैं भाई के साथ, मतलब अब उस भाई को मैं कहता हूँ कि अब चल अपना छोटा भाई है वो, क्यों उसका मेरे को सामने से मैसेज आया था कि भाई ब्लॉग बनाना है, मैंने बोला बना लेंगे भाई कोई सीन नहीं, उसको ही पता है भाई कि उस टाइम मैं ही था लुधियाना में, और मैं कि कोई बात नहीं भाई मैं एक्टिवा पे आऊँगा, कहता कोई सीन नहीं भाई आप चाहे साइकिल पे आओ कोई बात नहीं आपके साथ ब्लॉग बनाना है, मतलब इतना नाइस पर्सन है ना बंदा वो। इफ भाई तू ब्लॉग देख रहा है ना तो कमेंट डाल दियो ठीक है, ताकि पता लग जाए मेरे फैमिली को भी ऑडियंस को भी कि कौन है कौन नहीं है। तो ठीक है, मतलब बंदे ना आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि पैसा है उसके पास तभी सब कुछ है, भाई ठीक है तुम्हारे घर वाले लेके दे रहे हैं ना तुम्हें R15 ले ली या रेड बाइक ले ली, जो सी मर्जी ले ली, रेड चिली ले ली, जो भी ले लिया तुम्हें घर वाले लेके दे रहे हैं भाई, यहाँ हमें ना घर वाले लेके नहीं दे रहे हैं, बात ये फंसी है। अगर गरारी फंस जाए ना और घर वाले ले दे तो बताना कि तुम्हारे वीडियो पे व्यूज़ और मेरे वीडियो पे व्यूज़ कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। ये तो लिखती बात है भाई, ये सब कुछ ना आज तू चाहे डायरी में नोट कर ले मेरे ना, अंदर से आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बड़े दिनों से मेरा था मानना कि भाई ना बनाऊँ ऐसा व्लॉग ना बनाऊँ, बट भाई आप लोग ना मानते नहीं हो ठीक है। और लुधियाना में एक एक चीज़ मेरे को क्या पता है ना, बंदा बना रहा है भाई कि स्कूल रिएक्शन व्लॉग्स, मार्केट व्लॉग्स, मतलब रिएक्शन व्लॉग ठीक है, जब से बंदे ने बाइक लिया तब से रिएक्शन 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 हर व्लॉग में रिएक्शन। तो भाई कुछ और भी होता है भाई बाइक्स के लिए, रिएक्शन नहीं। और भाई स्क्रिप्टेड व्लॉग्स आज तक मेरे चैनल पर एक भी स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं है, उनके चैनल पर जाके देखना स्क्रिप्टेड व्लॉग है पूरे। और अगर नहीं लगेगा ना पता तो मैं बैठा हूँ मेरे को बताया भाई कि क्या सी क्या चीज़ चल रही क्या चीज़ नहीं, ठीक है। हर एक वीडियो स्क्रिप्टेड या हर एक नहीं भी है ना तो स्क्रिप्टेड व्लॉग है। और मेरे चैनल पे मेरे को बता देना कि मैंने कोई ऐसा आपको लग रहा है भाई कि बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ी है वो बना रहा है, मतलब नेवर गाइस नेवर, जो भी हूँ मैं रियल हूँ ठीक है। चाहे आप मेरे को अभी देख लो व्लॉग्स में, चाहे जो बंदे मेरे से सामने से मिलते हैं ना उनको ज़्यादा पता है कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, ठीक है। बाकी भाई मेरे साथ के ये 2-4 भाई ना, मैं सोचता था कि भाई सारी बाइकर कम्युनिटी साथ में रहेगी, बट भाई यहाँ पे ना कुछ साथ में रहने वाला नहीं है और सब दोगले बंदे हैं दोगले, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग बनाओ जिस मर्जी के साथ व्लॉग, मेरे को तो पहले भी नहीं कोई दिक्कत थी ना, आप ग्रुपों में व्लॉग बना के 250-250 व्यू ले रहे हो ठीक है, और अब तुमने बाइक भी ले ली है तभी चलो 300-400 व्यू आ रहा है, कोई बात नहीं बहुत बढ़िया भाई। मैं अकेला था कि भाई जिसने 1700 सब्सक्राइबर लुधियाना में उस टाइम पे किए थे, और उस टाइम पे मेरे को अभी भी याद है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए ना तब तेरे 500 थे, वो भी तूने उठवा के करवाया था उस टाइम 500, मतलब नहीं बोलना चाहता मैं तेरे बारे में कुछ, बट भाई तुम लोगों ने ना मेरे को मजबूर कर दिया भाई कि मैं आपके लिए ना व्लॉग बनाऊँ, तो ठीक है। बाकी मतलब पैसे भी पैसा नहीं होता भाई, एक तो ये बात है ना, ठीक है भाई आप लोगों के पास अभी भगवान की कृपा है तो आप लोगों के पास होगा, मेरे पे किसी टाइम आ गया ना भाई तब मैं जो ही नहीं लिया मेरे को पता है, कोई बात नहीं। आप चाहे ऐसे सोच लो कि इस टाइम मेरे पे कुछ भी नहीं है, 1.5 साल रुक जाओ, एक बार डिग्री ख़त्म होने दो, मैं बताऊंगा कि भाई चीज़ क्या हूँ मैं, ठीक है। बाकी खर्चे जितने तुम लोगों के बाइक के नहीं होंगे ना उससे ज़्यादा तो मैं महीने खर्चे कर देता हूँ, वो आप लोगों को मैं कितने दिन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बता दूंगा, ठीक है, कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है, मतलब बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, खर्चे भी बहुत है, बट भाई देख फ्लैक्स नहीं करना, और अगर फ्लैक्स करेगा ना तू भाई तो तू कर, आज तू फ्लैक्स करेगा मैं नहीं करूँगा भाई, सीधी जो बात है मैं डाउन टू अर्थ बनता हूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ कि भाई हवा में उड़ने लग गया भाई कि मेरे चलो 2-400 व्यू आ रहे हैं, हवा में उड़ने लग गए भाई, बंदों को भूल गए भाई, जिससे तुमने सीखे है उससे भूल गए भाई तुम लोग, ठीक है। मुकाबले तो मैं करूँगा नहीं, मेरी अपनी है भाई गरारी की, चलो कोई बात नहीं मैं अकेला व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ ना 2 दिन बारी मैंने मतलब पूछा, सभी ने मेरे को बोला कि भाई जिस टाइम पे आपके पास बाइक होगी ना उस टाइम पे हम लोग बनाएंगे, तो भाई बाहर में जाओ आप लोग भी ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई,
मैं अभी ना पारिवारिक माहौल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सारे घर वाले बुआ फुफड़ मासी मम्मा पापा सब मेरे व्लॉग देखते हैं, ठीक है, और मैं नहीं बताना चाहता कुछ ज़्यादा कुछ खास। बाकी भाई लोग बताऊँ कैसे हैं, 2 महीने साथ रह के तीसरे महीने भाई तू कौन है मैं कौन हूँ और तूने मेरे लिए क्या किया, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। और भाई मैं मुँह अपना खोलना नहीं चाहता हूँ, बट लोग ना गाइस आजकल बहुत 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 ही ज़्यादा बुरे हो गए हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छे बंदे के लिए आप जितना मर्जी करोगे ना, सब भाई लास्ट में बोलेंगे कि भाई तू कौन है मैं नहीं तुझे जानता, ठीक है। एक भाई के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया था और वो भाई अब मतलब ना मैसेज उठाता ना कॉल उठाता है, उसको पता है वो क्यों नहीं उठाता है, ठीक है, गलती गुलती सब उसी को पता है, बट कोई बात नहीं है, जिसने साथ देना उसने साथ दे देना, चाहे डाउन फॉलो अप फॉलो, भाई मेरे को बड़े मतलब मेरे भाइयों के और सबके मैसेज आए, बहनों के तो बहुत कम मैसेज आए, बट भाइयों के मैसेज आए कि भाई कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले हम बैठे हैं, तो वही भाइयों का ही है सपोर्ट मेरे को ना, बट मैं कहता हूँ कि आजकल ना दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है भाई, बड़ा कुछ, तो आप हर चीज़ पे बिलीव मत किया करो, और बाकी पैसे पे पैसा नहीं होता भाई, ये बात ना आपको मैं किस दिन बताऊँगा, जब चीज़ होगी ना तब मैं आपको बताऊँगा। मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और घर वाले कुछ लेके नहीं देंगे, ठीक है, उनका भी स्ट्रगलिंग टाइम है मेरा भी स्ट्रगलिंग टाइम है, बट भाई 1.5 साल 2 साल रुक जाओ, 2 साल हद, क्योंकि 1.5 साल में तो मेरी डिग्री ख़त्म होगी, थोड़ा बहुत मेरे को भी तो चाहिए, अगर 2 साल में कुछ ना हुआ ना तो आपको इस चैनल पे मेरे ब्लॉग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। और मैं इतना तब आप सपोज कर लो कि इतना इंट्रोवर्ट लगा लो हो जाऊँगा ना कि देखने सुनने के भी मतलब उस टाइम आपको लगेगा कि भाई वो बंदा दिखता ही नहीं है, मतलब फोन ही नहीं उठाता ना मैसेज उठाता है, तो बट ऐसा मेरे को पता है कि ऐसा दिन नहीं आएगा, बाकी भाई भगवान के ऊपर ये जो भी चाहते हैं वो सब होगा और मेरी मेहनत का फल है, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है मेरे को चाहे जितने मर्जी व्यूज़ आ रहे हैं ना भाई, बट मेरे को इतना तो है कि मैंने कभी फेक नहीं बना किसी के लिए, सबके लिए मैं रियल हूँ, और ये मैं किसको बोल रहा हूँ किसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सब आप पे है, जिसने अपने पे लेना वो अपने पे ले ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले भाई, मेरे को भी किसी से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एक टॉपिक और है मेरे पास उठाने की, ये वो है लाइक कोई स्टार्टिंग से लेके मई जून तक का था एक टाइम ना, तब भाई मैंने मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा हैप्पी टाइम था उस टाइम कह सकते हैं, और उस टाइम मैंने भाई जो खुशी थी और जो मतलब मेरा चल रहा था ना सिस्टम वो भाई उसी टाइम था, उसके बाद मैं खुद कहता हूँ कि उसके बाद मेरा डाउनफॉल आया, तो वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं कह रहा हूँ वो समझने के लिए मतलब जो समझना चाहेगा उसको पता लग जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है भाई, दिल से प्यार है। और चलो बाकी आप लोग मेरे को बताना कमेंट्स में कि मैंने मतलब ऐसा क्या गलत किया, या लोगों की जो मैंने बातें बताई ना आप बताना कि आप उससे कितने सहमत हो, लाइक कोई बात नहीं, चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे चाहे उनकी बात बुरी लगे, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या करना चाहिए इनके लिए, मैं व्लॉग बनाऊँ और या मतलब रहने दूँ छोड़ दूँ उनको परे छोड़ दूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बाकी गाइस अभी मैं नहा दूँ कि हुआ था ना फ्री, तो आपको थोड़ा मेरे बाल बुल ऐसे लग रहे होंगे तो उसको करना ही और रहा, तो ठीक है, बाकी गाइस दिल से प्यार है आपसे दिल से, ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ तब तक के लिए, मतलब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।